सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डेज स्टडी। दिस इज धीरज कुमार और आज जो हम करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जेडी एंड यांत्री का जो सेक्शन वन एग्जाम होगा उसकी जो है रीजनिंग की क्लासेस, ठीक है। और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछती है ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चन, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले और पूरे सिलेबस को हम लोग खत्म करेंगे एग्जाम से पहले, ठीक है। इसकी जिम्मेवारी पूरी मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं खत्म करा दूंगा। और टाइमिंग क्या क्लासेस की सब कुछ मैं बता दूंगा, आपको क्या क्या करना है आगे जाके, किस तरीके से कोर्सेज खत्म की जाएगी, वो सभी चीजें इस वीडियो में मैं इंट्रो में बता देता हूँ, ठीक है। क्योंकि रीजनिंग का फर्स्ट क्लास है और ये जो है फर्स्ट चैप्टर अपना हम लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, और यहाँ पे जो सारी क्वेश्चंस है हम लोग पिछली क्लास में जो पढ़े थे, देखो पिछली बार कोस्ट गार्ड का जो मैंने क्लास है इस मतलब पिछली बार मतलब 3-4 महीने पहले जो स्टार्ट किया था उसमें बहुत सारे बच्चे जुट नहीं पाए थे, तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन वही है, ठीक है। और आपने अगर वो क्लासेस कर ली है तो एक बार आपका रिविजन हो जाएगा, और जो बच्चा फर्स्ट टाइम मैथमेटिकल ऑपरेटर्स पढ़ रहा है या फर्स्ट टाइम इंडियन कोस्ट गार्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है वो क्या करेगा कि अच्छे से नोट्स बनाते जाएगा, इसकी सारी पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड करते जाएगा और डेली नाइट में सारी पीडीएफ अपलोड की जाएगी टेलीग्राम पे, ठीक है। पूरा दिन क्लासेस और नाइट में पीडीएफ, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। और गाइस हाँ, अभी चलो हम पहले क्लासेस के बारे में बात कर लेते हैं तब जाके कोर्स को कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं अपने आप को यहाँ से हटा दूँ ताकि सब कुछ आपको क्लियर नजर आए, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्रीन से मेरा हटना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अभी देखो क्लासेस कुछ इस तरीके से होंगी, जो आपको डिस्प्ले पे दिख रही है ना सारी क्लासेस ऐसे होंगी, मतलब आपको जीके की क्लासेस मतलब कुल मिला के देखो जीके की क्लासेस जो आपको 6 AM पे मतलब 6 बजे सुबह मिल जाएगी, ठीक है। इंग्लिश की क्लासेस जो है आपको 7 बजे मिलेगी, लेकिन ये ए टू जेड स्टडी पे नहीं, ट्रिक इंग्लिश चैनल पे मिलेगा, ट्रिक इंग्लिश चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और मैथ का 8 बजे सुबह में मिलेगा आपको ए टू जेड स्टडी पे, रीजनिंग का 10 बजे क्लास डेली मिलेगा और साइंस का डेली 11:30 बजे मिलेगा, ठीक है। तो चलो सारी क्लासेस अपने टाइम पे होंगी, बसरते कि इंग्लिश की जो है ट्रिक इंग्लिश चैनल पे होगी, तो ट्रिक इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और हम लोग गाइस स्टार्ट करेंगे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स और ये कैसे होते हैं कुछ स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या, देखो यहाँ पे टोटल 20 क्वेश्चन है, 15 मैं बनाऊंगा, 5 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा, बाकी तो प्रैक्टिस और भी हम करेंगे, लेकिन ये 5 सिर्फ आज की जो पढ़ाया हूं मैं उसको समझने के लिए, खुद से प्रैक्टिस करने के लिए इसकी पीडीएफ में दे दूंगा मैं आपको विद द आंसर, आपको आंसर की भी रहेगा पीडीएफ के एंड में, ठीक है। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़ो यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस कि ये जो किसी कोल्ड भाषा में हम लोग प्लस को, प्लस का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दूँ क्या, प्लस का मतलब होता है मल्टीप्लाई, माइनस का मतलब होता है प्लस, मल्टीप्लाई का मतलब होता है डिवाइड और डिवाइड का मतलब होता है माइनस, तभी जो इक्वेशन दिया है उसको सॉल्व करो, ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमको दे रखा है 45, 5, 24, 3, 80, ठीक है। अब सारे सिंबल्स का वैल्यू पुट करो, मल्टीप्लाई का डिवाइड, ठीक है, माइनस का क्या दे रखा है हमको, प्लस दे रखा है, प्लस का क्या दे रखा है मल्टीप्लाई दे रखा है, अब डिवाइड का दे रखा है माइनस। तो हमने गोल्ड मास आज ही पढ़ा था ना, तो सबसे पहले क्या, सॉरी यहां पे माइनस होगा डिवाइड नहीं होगा एंड में, तो हमने मैथ में गोल्ड मास पढ़ा था आज ही सिंप्लीफिकेशन में, तो सबसे पहले डिवाइड वाले को कवर करेंगे, तो ये 5, 9, 45 प्लस में अभी 24 और 3 को मल्टीप्लाई कर दो यहीं पे, ठीक है। तो 24 × 3 = 72 - 80, अब इन दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो 81 - 80 = 1 आंसर हो जाएगा, ठीक है। और रीजनिंग की बहुत सारी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना, ये जो है अर्थमेटिकल बस यही जो है सेम क्वेश्चन है जो पिछली क्लासेस में कराए थे, क्योंकि इसके क्वेश्चन लगभग सेम ही होते हैं हमेशा, बाकी और जो चैप्टर्स होंगे उनके क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखो, ये जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, यहाँ पे 315 लिख दो, अब देखो 3 लिख दिया, 9 लिख दिया, 4 लिख दिया, 6 लिख दिया, अब बोल रहा है सभी सिंबल्स को चेंज करो, बोल रहा है एंड को क्या लिख रहे हैं हम लोग, एंड का मतलब है यहाँ पे भाग, तो यहाँ पे हम लोग भाग कर देंगे, हैश का मतलब क्या है घटाना डिवाइड करना सब्सट्रैक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे एट द रेट ऑफ का मतलब है जोड़ दो एडिशन, ठीक है, और परसेंटेज का मतलब है मल्टीप्लाई, तो सबसे पहले जो डिवाइड करोगे ना तो 3 × 1 = 3, 5 = 15, 0 दोगे बीच में ये 9 और 6 × 4 = 24 हो जाएगा, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे हम लोग 105 में 24 को ऐड कर देंगे तो 129 - 9 = 120, ये बस और बस कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए और कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा स्लो हो जाता हूँ, आराम आराम से बताता हूँ क्योंकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, इस टॉपिक के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल सा है, बहुत इजी सा है, क्वेश्चन में जो जो दे रखा है वही देख के हमको लिखते जाना है और सॉल्व करते जाना है, इसीलिए मैंने आज सुबह में सिंप्लीफिकेशन पढ़ाया और रीजनिंग में ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ ताकि दोनों दोनों साथ में क्लियर होते जाए, बोर्ड मास्टर का कॉन्सेप्ट जो भी है, ठीक है। 217 ठीक है लिखेंगे, 7 लिख देंगे, पहले तो चुपचाप ऐसे ही रफ पेपर पे एग्जाम में लिख लेना, ठीक है।
अब टोटल का साइन देखो, एंड का मतलब दे रखा है भाग दे रखा है, ठीक है। तो एंड का मतलब आप लोग भाग दे दो, यहाँ पे हैज का मतलब घटाव दे रखा है तो घटा दो, एट द रेट ऑफ का मतलब जोड़ दे रखा है तो जोड़ दो, परसेंटेज का मतलब मल्टीप्लाई दे रखा है तो मल्टीप्लाई लिख दो, ठीक है। कुछ नहीं करना है, पहले इसको डिवाइड दो तो 7 3 21 और ये 31 बार में कट जाएगा, ठीक है। -3, अब ये 7 प्लस है ना, ये 2 × 7 मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 14। अब इन दोनों को जोड़ दो 31 प्लस में 14 को ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 45, ठीक है। तो 45 -3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 42। तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। आई होप कि ये चीज कंसेप्ट क्लियर है, इसमें कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखो पहले तो कुछ नहीं कह रहा है, पहले हम लोग सिंपली इसको लिखेंगे 14 6 4 1 121, ठीक है। 100, अब ये क्या है भाई बीच में 2 घुस गया है, फिर 100। अब बोल रहे हैं क्यूब का मतलब क्या है, खोजो। क्यूब का मतलब कह रहा है कि यहाँ पे भाग है, ऑब्वियस है कि छोटे वाले से बड़े वाले को हमेशा हम लोग डिवाइड देते हैं। पी का मतलब है घटाना, ठीक है, डिवाइड नहीं घटाना है, माइनस करना है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर 100 के बाद एस है, एस का मतलब कह रहा है मल्टीप्लाई करना है, और आर का मतलब क्या कह रहा है भाई जोड़ दो, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, 14641, इसको 121 से डिवाइड दोगे तो ये 121 का स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा 121 ही हो जाएगा, ठीक है। माइनस, अब 100 × 2 कर सकते हैं हम लोग यहीं पे, अब कहीं जाएंगे नहीं, यहीं पे कर लेंगे 200 प्लस में 100, तो प्लस प्लस करो इसको पहले, तो 221 माइनस 200 इज इक्वल टू आपका राइट आंसर क्या आ गया 21, 21 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, के का मतलब घटाना है तो उसको घटाने दो। पहले हम लोग हमेशा से हमेशा क्या करते हैं, इक्वेशन लिखते हैं, एग्जाम में ये हैबिट बना लो, पहले घर पे प्रैक्टिस करते करते कि एग्जाम में हमको पहले इक्वेशन लिख देना, फिर देखना है एल का मतलब है भाग तो यहाँ दे दो भाग, चल भाग। के का मतलब क्या है घटाना तो डिवाइड कर दो, फिर यहाँ पे 6 के बाद एम है, एम का मतलब क्या है जोड़ दो, जोड़ दिया, और फिर 11 के बाद डी है तो डी का मतलब कह रहा है मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब तो पहले डिवाइड करोगे ना तो 4 × 2 = 8, ठीक है, 4 × 6 = 24 बार में कट जाएगा, 4 × 6 = 16 हो गया। -6 प्लस में 11 × 19 क्या हो जाएगा 99, सॉरी 11 × 9 है, 19 नहीं है तो 99 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, प्लस प्लस को ऐड करोगे, 24 प्लस 99 इज इक्वल टू 123, -6 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 117, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। तो ये बस बोर्ड मास का नियम है, क्वेश्चन पढ़ के इक्वेशन बैठा देना है, कौन सा साइन कहाँ कहाँ रखेंगे, फिर बोर्ड मास जो मैंने सुबह में मैथ में पढ़ाया था उसी का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ए का अर्थ घटाना है, बी का अर्थ भाग देना है, सी का अर्थ जोड़ देना है, डी का अर्थ गुणा है, तो बताओ इन सभी का मतलब क्या होगा। 294, बी का मतलब है डिवाइड, सी, ए का मतलब है घटाना, ठीक है, 30, सी का मतलब क्या है जोड़ दो, फिर 31, ठीक है, डी का मतलब है मल्टीप्लाई कर दो 4। तो आप इस तरीके से मत करना, ठीक है, आपको पहले इक्वेशन लिखना है फिर साइन लिखना है। आप क्या करोगे, इसको डिवाइड दोगे 6 से तो क्या जाएगा 6 × 6 = 24, 5 बचेगा 6 × 9 = 54, 49, ठीक है। -30 प्लस में 31 × 4 को मल्टीप्लाई करो 4, और 4 × 3 = 12, अब 124 में किसको जोड़ोगे 49 को, ठीक है, तो 124 को 49 में, तो 9 × 4 = 13, 4 × 2 = 6 = 1, 7, और ये 173 -30 इज इक्वल टू 143 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है भाई, 7 कह रहा है ये कि 17 एट द रेट ऑफ का मतलब 8 है, ठीक है, वहीं पे 9 एट द रेट ऑफ का मतलब है 4, वहीं पे 6 एट द रेट ऑफ का मतलब है 6 × 4 का मतलब है 1, तो हम लोग 8 × 2 का मतलब क्या हो जाएगा। देखो इसमें क्या किया है, 17 − 1 क्या हो जाएगा 16, 16 में से 2 डिवाइड कर दो तो वैल्यू 8 बचेगा, वैसे ही 9 − 1 क्या होगा 8, 8 में से 2 डिवाइड कर दो 4, 6 − 4 क्या होगा 2, 2 से 2 डिवाइड करोगे तो 1, मतलब जो भी माइनस करके उसका आधा निकाल दो, तो 8 − 2 कितना होता है 6, 6 का आधा क्या होता है 3, तो 3 ऑप्शन नंबर किस में है ए में, तो राइट आंसर अपना 3 हो गया, कुछ है नहीं, कंसेप्ट क्लियर होगा आई होप। चलो क्वेश्चन नंबर 8 है, पी का अर्थ गुना है, ठीक है, तो उसको होने दो, पहले हम लोग इक्वेशन लिखेंगे 6 7 169 13 और 5, ठीक है। अब ये देखो बहुत बड़ा के बाद एक छोटा सा वैल्यू है ना, तो ये समझ लो यहाँ पे डिवाइड आएगा ही आएगा, ये कंसेप्ट होता है,
ठीक है, एक बड़े वैल्यू के पीछे छोटा वैल्यू छुपा है तो वहां पे डिवाइड आएगा। देख लो यहाँ पे क्यू है ना, तो क्यू का मतलब देख लो श्योर है कि यहाँ पे भाग होगा, ठीक है, क्योंकि ये नियम है, ऐसा क्वेश्चन ही सेट किया जाता है। अब पी का मतलब है गुणा, तो यहाँ पे पी कर दो। एस का मतलब है जोड़, तो यहाँ जोड़ दो। और 13 के बाद है आर, तो आर का मतलब क्या है भाई, आर का मतलब है घटा दो, ठीक है। तो पहले लोग डिवाइड देंगे ना, तो 6 × 7 प्लस में ये क्या हो जाएगा, 13 बार में कट जाएगा, बिकॉज ये 13 का स्क्वायर है, तो इतना तो याद करना होगा हमको। तो 6 × 7 42 प्लस में 13 − 5, ठीक है। अब इसको जोड़ दिया हमने, तो ये हो गया 55 − 5 = 50, राइट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है, 50। तो राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है यही कि बोल रहे हैं 64, 8, 5, फिर 5, फिर 6, फिर 10। 64 के बाद m है, और m का मतलब क्या है, डिवाइड है, ठीक है। बड़े वैल्यू के पीछे छोटा वैल्यू, ऑब्वियस है कि डिवाइड आएगा, मतलब बहुत बड़े के पीछे छोटा। तो 64 8 से बहुत बड़ा है, लेकिन 8 5 से बहुत बड़ा नहीं है। तो p का मतलब क्या दे रखा है, 8 के बाद p है, तो p का मतलब माइनस है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, m का मतलब डिवाइड है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, n का मतलब क्या, मल्टीप्लाई है, और o का मतलब प्लस है। तो पहले हम लोग ये दोनों कर लेंगे, डिवाइड डिवाइड होना, ठीक है। तो 8 × 8 64 हो जाएगा, ये 5 5 कट के 1 बचेगा, मल्टीप्लाई 6 + 10। तो ये हम लोग पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 − 6 + 10, कहने का मतलब ये हो गया कि 10 + 8 कितना होगा, 18 − 6 = क्या हो जाएगा भाई, 12। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। आई होप की कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलो तो 12 इसका क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, आप देख लो यहाँ पे फटाफट 2 3 6 3 6 5 9 लिख देने का अपने को। O का मतलब क्या कह रहा है, प्लस है, प्लस कर दो। P का मतलब क्या कह रहा है, माइनस है। और फिर क्या है भाई, N का मतलब क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई है। क्वेश्चन देखो ऊपर दे रखा है, सब कुछ मैं ऊपर से पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना, तो आपको भी ऊपर से ही देखना है। अब जरा मुझे इरेज भी करना है, ठीक है। अभी देखो उसके बाद 3 के बाद M है, और N का मतलब डिवाइड है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा लोचा हुआ, छोटे वाले के पीछे बड़ा वाला दिया, तो समझ लेना कहानी में ट्विस्ट आने वाला है, ठीक है। अभी 6 के बाद क्या है, P है, तो P का मतलब क्या है, माइनस है। 5 का, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा माइनस को मैं ठीक से लिख दूं, ठीक है। तो ये 6 − 5, और O का मतलब प्लस है। तो पहले तो डिवाइड करेंगे ना, तो इसको डिवाइड करो, कैसे करोगे, 3 2 + 3 − 6 × 3 3/6। अब डिवाइड में तो बाई हो गया, −5 + 9, मैंने कहा ना कहानी में ट्विस्ट है। तो ये 6 6 कट गया, बचा क्या, ये बच गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे कट के 1 आ जाएगा, तो 2 + 3 − ये 3 हो जाएगा ना, 3 × 3 − 1, तो −3 हो जाएगा, −5 + 9। तो किसको किसको जोड़ोगे आप लोग, ये चीज देखो, 3 2 5 5 9 कितना हो जाएगा, 14। 14 −3 − 5 कितना हो जाएगा, −8। तो ये 14 − 8 कितना हो जाएगा भाई, 6 हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया अपना, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अब थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा अलग क्या है, कह रहा है ना इसमें कि आपको करना ऐसा है कि देखा नहीं किसने ऐसा, ठीक है, मतलब ऐसा क्वेश्चन अभी तक आपने देखा नहीं है। तो बहुत सारे लोग नहीं बना पाएंगे, मुझे पता है, बट बहुत सारे लोग पहले जो पढ़े होंगे बना भी लेंगे। तो गाइस कुछ नहीं कहना, बोल रहे ना कि इस इक्वेशन को आपको सबको चेक करना है कि जो ऊपर कंडीशन दे रहा है कौन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, मतलब फॉलो कर रहा है। कह रहे ना प्लस का अगर मतलब क्या है, माइनस है। डिवाइड का मतलब अगर जोड़ है, माइनस का अगर गुणा है, और गुणा का भाग है। तो इन सब में हम सभी को चेंज करेंगे, सबको चेंज करेंगे, ठीक है, सबको चेंज करेंगे, तब कौन सा इसका राइट, RHS बराबर LHS हो जाएगा, मतलब LHS बराबर RHS, राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड कौन सा हो जाएगा। तो ये चीज आप करो, सभी क्वेश्चन में पुट कर करके वैल्यू, मैं डायरेक्टली बता रहा हूं ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, ठीक है, मैंने कर लिया। 8 44 5 25, इसका वैल्यू आना चाहिए 203। अब 8 के बाद डिवाइड है, डिवाइड का मतलब क्या कह रहा है भाई, डिवाइड का मतलब जोड़ है, जोड़ देना उसको। फिर माइनस का मतलब कह रहा है क्या, कि गुणा है, तो गुणा कर दो उसको। फिर प्लस का मतलब क्या है भाई लोग, प्लस का मतलब माइनस है, तो माइनस कर दो, ठीक है। और यहाँ पे कुछ नहीं करना, अभी इतना देखो 8 प्लस में इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा, −25। तो ये पहले जोड़ोगे ना, तो 228 में से 25 घटा दो, तो ऑब्वियस है कि 203 आ भी गया मेरा, ठीक है। तो 203 RHS बराबर LHS बराबर हो गया ना, RHS बराबर LHS, 203 बराबर 203, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, फिर से वही चीज करना है। ठीक है, एक इक्वेशन दे रखा है 49 सॉरी 45 9 3 15 2, तो 45 डिवाइडेड बाई प्लस 9 है ना, तो प्लस का मतलब क्या दे रखा है, डिवाइड है, तो डिवाइडेड बाई 9 कर दो, तो 9 माइनस 3 है ना, तो माइनस का वैल्यू क्या दे रखा है, मल्टीप्लाई दे रखा है, माइनस का वैल्यू मल्टीप्लाई। अब आगे क्या दे रखा है भाई, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 15 था, तो मल्टीप्लाई का मतलब प्लस है और डिवाइड का मतलब क्या है, माइनस है। ओके, तो ये 9 5 45, ठीक है, तो ये कट गया, प्लस 15 माइनस 2, ठीक है, ये 15 प्लस में 15 माइनस 2, तो 30 माइनस 2 क्या होता है, 28 होता है। अच्छा ठीक से मैं लिख दूँ इसको, 28 होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि आप इसको देखो, इसमें से स्टार के जगह पे, सब में स्टार स्टार है, कौन सा इक्वेशन ए बी सी डी में से फिल करेगी सही हो जाए। ठीक है, तो आप इसको एक एक करके ऑप्शन नंबर ए से फिल करना स्टार्ट करो, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करो, बी करो, मैं डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ, बी इसका राइट आंसर है, करके दिखा रहा हूँ। 13 इज इक्वल टू 12 प्लस में 5 माइनस 4, अब देखना ये 13 के बराबर आ रहा है कि नहीं, तो 17 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 13 आ गया, तो राइट आंसर भी हो गया। ठीक है, बाकी आपका काम क्या था भाई, सबको चेक करने का। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहे हैं, इस इक्वेशन को फिल करो फिर से, 25 5 38 2, अब मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, डिवाइड है, ठीक है, डिवाइड का मतलब क्या है, प्लस है, प्लस का मतलब क्या है, माइनस है, और माइनस का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है, तो पहले 5 25, तो ये 5 हो गया, 30 8 2 16, और ये क्या हो जाएगा, 35 माइनस 16 इज इक्वल टू 19, तो राइट आंसर इसका हो गया 19। ठीक है ना, कुछ था नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। और लास्ट क्वेश्चन देखो, और भी क्वेश्चंस हैं, बट ये सभी चीजें मैं आपके लिए दूंगा पीडीएफ में। ठीक है, अब फिर से 15 नंबर तो करना है ना, फिर से 16 6 4 24, अब क्या करो, सारे कंसेप्ट को फिल करो ए से लेके डी तक, कौन सा सेटिस्फाई करता है, पहले ए को करो, फिर बी को करो, फिर सी को करो, डी को करो, वीडियो को रोक के, तो मैं डायरेक्टली डी को कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि इसका राइट आंसर डी है। ठीक है, तो 16 मल्टीप्लाई डिवाइड इज इक्वल टू, देखो ये क्या हो जाएगा, 16 मल्टीप्लाई 6 बटा 4, तो 4 6 4 6 16, तो 6 6 24, तो वैल्यू 24 इज इक्वल टू 24 आ गया, तो राइट आंसर आंसर क्या होगा, 24 आ गया इसका। अब मैं ए से लेकर डी तक क्यों नहीं किया, बिकॉज मुझे पता है, मैंने आपको हिंट दे दिया कैसे बनाना, मैं ए बी सी डी चेक करते जाऊं तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि हर क्वेश्चन में सारे ऑप्शंस को मैं चेक करूं तो वीडियो का साइज बहुत बड़ा बनेगा। सो गाइस, इतना आज के लिए सफिशियंट है, तो ये इस टॉपिक को यहीं पर रहने देते हैं, और बाकी हम लोग जो मिशन 500 की तरह जैसे एयरफोर्स में कहते हैं, कोस्ट गार्ड में भी करेंगे, तो फिलहाल टाइमिंग देखो, ये टाइमिंग है सारी क्लासेस की, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, सभी चैनल्स को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम चैनल को भी, ट्रिकी इंग्लिश चैनल को भी, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में, बाकी ए टू जेड स्टडी को तो सब्सक्राइब करना ही करना, क्योंकि कोस्ट गार्ड का रिजल्ट आपका आएगा ही आएगा, मैं दिलवा के रहूंगा अगर तैयारी मेरे साथ बढ़िया से करके जाते हो तो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।